नमस्कार। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल टू में एक चैप्टर है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के। चैप्टर थर्ड है ये पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसके बेसिस पे आपको केस स्टडीज पूछी जाती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल टू में आपको 8 केस स्टडीज आते हैं, उसमें से इस चैप्टर से एक केस स्टडी आना मैंडेटरी है और आपको आता ही है। तो आज इस चैप्टर के एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल आपको हर एग्जाम में आना मैंडेटरी है। तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा सेविंग रेशियो। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे रेशियो निकालने को कहे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। सेविंग रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो है, और भी बहुत सारे रेशियो आपसे पूछे जाते हैं। एसेट लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल चर्चा सेविंग रेशियो के बारे में करेंगे। तो सेविंग रेशियो होता क्या है? एक्चुअल में यह एक रेशियो है जिसको परसेंटेज टर्म में दर्शाया जाता है, और परसेंटेज का जो कैलकुलेशन होता है वह एनुअल बेसिस पे होता है। यानी कि अगर आपको मंथली बेसिस का इनकम दिया हुआ है और आपको अगर सेविंग रेशियो निकालना है, तो आपको पहले उसको एनुअल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेविंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वह होता है सेविंग पर ईयर डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम। एक केस स्टडी लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हमसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, और ये जो सैलरी आती है इसकी, इसमें प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज़ का है। नेट होम जो इसकी सैलरी आती है वो 9,000 रुपीज़ की आती है, जिसमें 500 रुपये का डिडक्शन हो जाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में। एम्प्लॉयज जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें डिडक्ट हो जाता है 500 रुपये इसका। और इसकी जो अर्निंग है वह 200 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे यह कमाता है। सेविंग बैंक अकाउंट में जो इसने पैसा रखा है उसमें इसको 200 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। इसके जो एक्सपेंसेस हैं वह मंथली बेसिस के 7,000 रुपये हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका सेविंग रेशियो क्या है। तो सबसे पहले आपको इसकी ग्रॉस सैलरी दी हुई है। ग्रॉस सैलरी के बाद में आपको दिया गया है कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है प्रोविडेंट फंड में, इसकी नेट टेक होम जो सैलरी है वो कितने की है, और इसका डिडक्शन कितना हो रहा है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में। अल्टीमेटली इसको भी हम सेविंग में ही हम काउंट करते हैं। और फिर इसका एक्सपेंस दिया हुआ है कि महीने का इसका एक्सपेंसेस कितने के होते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर रखा हूं और आंसर को मैं नीचे शो किया हूं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 10,000 रुपीज़ की है। तो अगर 10,000 रुपीज की इसकी ग्रॉस सैलरी है और 200 रुपये का इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसकी टोटल इनकम जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10,200 रुपये। अगर आपको मालूम ना हो तो जो हम इनकम टैक्स फिल करते हैं उसमें जो आप इंटरेस्ट कमाते हो अपने सेविंग बैंक अकाउंट पे, वो भी आपको एज ए इनकम शो करना होता है। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट में जो इसने पैसे रखे हैं उससे इसको 200 रुपये का इनकम निकल के आ रहा है। तो 10,200 रुपये इसका टोटल इनकम हुआ, जिसको हम टोटल इनकम कहेंगे। अब बात करते हैं इसकी सेविंग की। अब इसकी सेविंग क्या क्या हो रही है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी टोटल सेविंग कितने की है। तो 9,000 रुपये की इसकी नेट सैलरी आ रही है, 200 रुपये का इसका इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 500 रुपये का है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 500 रुपये का होगा। तो हम सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 9,000 रुपीज जो इसकी टोटल नेट सैलरी है, इंटरेस्ट इनकम 200 रुपये का, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 500 का, कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय है उसका 500 का, हमने सबको ऐड कर दिया और 7,000 से हमने उसको माइनस कर दिया। 7,000 क्यों? क्योंकि 7,000 का इसका एक्सपेंस है, तो ये हमने माइनस कर दिया। अब इसका देखिए आप, इसका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3,200 रुपीज। तो टोटल इनकम है और इसका 3,200 रुपीज इसका सेविंग निकल के आया। तो अब जो हमें सेविंग रेशियो निकालना है, तो सेविंग
डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, यानी कि 3200 डिवाइडेड बाय 10,200। आप इसको अगर ईयरली में भी कन्वर्ट करोगे तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों साइड से 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप ईयरली निकालोगे तो 3200 मल्टीप्लाइड बाय 12, 10,200 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ईयरली के हिसाब से आपको निकल के आ जाएगा। यहां मैंने सेविंग के हिसाब से पूरा, मंथली के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया है। इसकी जो सेविंग निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 31.4%। अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 के केस स्टडी में। मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया है, टोटल इनकम कैसे निकाला गया है, सेविंग कैसे निकाली गई है, एक्सपेंसेस को हमने कैसे माइनस किया है। आप एक बार देखेंगे तो बहुत आसान है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो आपने अपने बहुत छोटे टाइम में पढ़ा होगा गणित, उस तरीके का जोड़ और घटाव करना है बस, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, लेवल 2 इंश्योरेंस के एग्जाम, स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट, इन सब के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस लें और फिर आप एग्जाम दें, या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।